हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट वैशाली। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है येलो फंगस। फिर ब्लैक व्हाइट येलो फंगस बीमारी के कारण क्या है, लक्षण क्या है, इलाज क्या है, बचाव क्या है और क्यों येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है, इन सबके बारे में आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। फ्रेंड, ब्लैक येलो व्हाइट फंगस हमारे एनवायरनमेंट में आज से नहीं, बहुत पहले से प्रेजेंट है, मौजूद है। पहले ब्लैक व्हाइट और येलो फंगस से इन्फेक्शन या फिर बीमारियां क्यों नहीं होती थी, क्योंकि जो सबका इम्यून सिस्टम था वो बहुत ही स्ट्रांग था, मजबूत था। लेकिन कोविड-19 के आने के बाद से ज्यादातर लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया है, कमजोर हो गया है। इसीलिए ब्लैक व्हाइट और येलो फंगस से ज्यादातर बीमार पड़ने वाले लोगों में से कोविड पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट है या फिर ऐसे पेशेंट या फिर मरीज हैं जो कि स्टेराइड ऐसी मेडिसिन का यूज कर रहे हैं जिसमें स्टेराइड प्रेजेंट है, मौजूद है। सबसे पहले हम जानेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस जिसका दूसरा नाम है म्यूक्योर माइसेट्स, जो कि मिट्टी, पौधे, सर, फ्रूट में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक फंगस के सिम्टम्स लक्षण की। फ्रेंड, ब्लैक फंगस के सिम्टम्स लक्षण हैं: नंबर 1 हेडेक, सर दर्द होना, नंबर 2 फीवर, बुखार आना, नंबर 3 ब्लडी वॉमिटिंग, खून वाली उल्टी होना, नंबर 4 साठने सा ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ होना, नंबर 5 अल्टर मेंटल स्टेटस, दिमाग ठीक रूप से काम न करना, नंबर 6 टूथेक, दांत दर्द करना, नंबर 7 लोकल पेन ऑन चेक बोन काल के आसपास दर्द होना। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट या फिर इलाज की। ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में नंबर 1 मेडिसिन में है एम्फोटेरिसिन बी एंड कोसाकोनाजोल। नंबर 2 है सर्जरी। सर्जरी में क्या होगा, रिमूव अफेक्टेड टिश्यू, जो भी टिश्यू खराब हो गए हैं उनको निकाल दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं व्हाइट फंगस की। व्हाइट फंगस जो कि ब्लैक फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है, कि जो ब्लैक फंगस है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स, फेफड़ों को ही इफेक्ट कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। लेकिन व्हाइट फंगस क्या कर रहा है, ये हमारे किडनी, गुर्दे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लंग्स, लीवर, फेफड़े, इन सबको प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो व्हाइट फंगस है ना, ये बहुत तेजी से हमारे बॉडी या फिर शरीर के ऑर्गन्स, अंगों में बहुत तेजी से फैल रहा है। फ्रेंड, व्हाइट फंगस से भी बीमार पड़ने वाले लोगों में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, कमजोर है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाइट फंगस के सिम्टम्स लक्षण की। व्हाइट फंगस के सिम्टम्स या फिर लक्षण है: नंबर 1 सांस लेने में तकलीफ होना, नंबर 2 फीवर, बुखार आना, नंबर 3 लूज मोशन और डायरिया, बार बार दस्त होना, नंबर 4 कफ, खांसी आना। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं व्हाइट फंगस के ट्रीटमेंट और इलाज की। फ्रेंड, व्हाइट फंगस का ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा दी गई कॉमन मेडिसिन से हो जा रहा है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं येलो फंगस की। येलो फंगस जो कि ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्यों? क्योंकि बाकी के फंगस में जो इन्फेक्शन था वो नाक और मुंह से शुरू हो रहा था, लेकिन येलो फंगस के केस में क्या हो रहा है, येलो फंगस जो है ये सीधे हमारे वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग, इन सब पर डायरेक्टली सीधे अटैक कर रहे हैं, वार कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं येलो फंगस के सिम्टम्स की। येलो फंगस के सिम्टम्स है: लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, वेट लॉस, वजन कम हो जाना, लेजीनेस, सुस्ती आना। अब हम बात कर लेते हैं येलो फंगस के ट्रीटमेंट की, इलाज की। येलो फंगस के ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं व्हाइट ब्लैक येलो फंगस से बचाव की और प्रिवेंशन की। नंबर 1, अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन या फिर दवाई ले रहे हैं जिसमें स्टेराइड प्रेजेंट है, मौजूद है, तो ऐसी मेडिसिन या फिर दवाई का यूज आप अपने डॉक्टर के अनुसार कम कर दीजिए। नंबर 2, आप सड़े हुए फ्रूट या फिर बासी खाना मत खाइए। नंबर 3, आप घर से ज्यादा बाहर मत निकलिए और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल भी मत जाइए जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट है। नंबर 4, आपको धूल भरी जगह से आने के बाद या फिर डस्ट वाली जगह से आने के बाद लुक वार्म वाटर से नहा लेना है। 5, जो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं उन्हें अपनी डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए और जो भी वो मेडिसिन ले रहे हैं उन्हें मेडिसिन जो है केयरफुली लेना चाहिए। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल फार्मासिस्ट वैशाली को सब्सक्राइब करें।